आज हमारे द्वारा जो पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका नलीन यादव और मुनव्वर फारूकी की तरफ से प्रस्तुत की गई थी, उस पर आज बहस होनी थी। और हमारे पक्षकारों का तरफ से बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री विवेक तनखा सर भी आज उपस्थित हुए थे। चूंकि पुलिस द्वारा उस प्रकरण में प्रकरण से संबंधित केस डायरी आज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकी, इस कारण उसकी सुनवाई आज स्थगित होकर माननीय न्यायालय ने उसमें एक सप्ताह बाद की जो भी डेट है उस पर सुनवाई किया जाना नियत किया है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं पेश किया? मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यू है कि पुलिस द्वारा पूर्व में भी बिना वास्तविक तथ्यों की जांच किए अपराध पंजीबद्ध किया गया पॉलिटिकल प्रेशर में। और सबसे बड़ी इस प्रकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि यहाँ पर मुनव्वर फारूकी, जिसके विरुद्ध पूरा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसने इंदौर आने के बाद में जिस कॉमेडी शो के संबंध में पूरा प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उस कॉमेडी शो में उसने परफॉर्म ही नहीं किया। तो जब उसके द्वारा कोई किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं किया गया, जब उसके द्वारा किसी तरह की कोई ऐसे तथ्य या कोई ऐसी बात ऐसी बोली नहीं गई जिससे किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, तो किन आधारों पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, यह महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे द्वारा इन सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाना था, परंतु केस डायरी नहीं होने के कारण आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो एक सप्ताह बाद की माननीय न्यायालय द्वारा तय की गई है। अंशुमन श्रीवास्तव।